भारत और पाकिस्तान के बीच अब से कुछ ही घंटों में महामुकाबला खेला जाना है। बता दें आपको कि दुबई में पूरे तरीके से ये दोनों टीमें भिड़ने के लिए तैयार है। बता दें आपको कि यहाँ पर टीम इंडिया जहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ अपनी प्लेइंग 11 को तलाश रही है, वहीं दूसरी तरफ टीम के मेंटोर MS धोनी टीम की प्लेइंग 11 लगभग फाइनल कर चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ क्या प्लेइंग 11 उतारेगी, इस बात पर हर कोई डाउट कर रहा था। ऐसे में खबरों की माने तो भारत की प्लेइंग 11 लगभग तय हो चुकी है। रोहित शर्मा और KL राहुल पारी की शुरुआत करेंगे। तीन नंबर की बात की जाए तो तीन नंबर पर कप्तान कोहली खेलते नजर आएंगे। चार नंबर की बात की जाए तो सूर्य कुमार यादव नंबर चार पर खेलते नजर आ सकते हैं। पांच नंबर पर ऋषभ पंत खेलते नजर आएंगे। छह नंबर की बात की जाए तो हार्दिक पांड्या को बतौर बल्लेबाज टीम में शामिल किया जाएगा। सात नंबर की बात की जाए तो रविंद्र जडेजा। आठ नंबर की बात की जाए तो आठ नंबर पर भुवनेश्वर कुमार। नौ नंबर पर वरुण चक्रवर्ती। दस नंबर पर मोहम्मद शमी और ग्यारह नंबर पर जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर आएंगे। यानी कि धोनी ने बनाई है जबरदस्त प्लेइंग 11। पाकिस्तान के खिलाफ किस तरीके से भारतीय टीम अब प्रहार करेगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि लगातार यहां पर गेंदबाजी की बात हो रही थी कि भारत पांच गेंदबाजों के साथ उतरेगा। अगर जरूरत पड़ती है तो सूर्य कुमार यादव या विराट कोहली से भी गेंदबाजी कराई जा सकती है। अब इंतजार है तो बस महामुकाबले का। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।